डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 116 करोड़ रुपए की 35 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर केशव प्रसाद ने कहा कि बीजेपी सरकार सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के लिए संकल्पबद्ध है। सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास के मंत्र पर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। लेकिन एक और जानकारी मैं साथ में जोड़ करके आपको दे रहा हूँ, 25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की और सड़कों को कल मैंने स्वीकृत किया है, उसके पत्थर आज यहाँ नहीं लगे हैं, जल्दी पत्थर यहाँ के हमारे माननीय विधायक गण, हमारी सांसद जी और सारे जनप्रतिनिधि लगाने का काम करेंगे। जहाँ पर भी होगा, जब बीच में मुझे समय मिलेगा मैं भी आऊँगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सड़क हो, सेतु हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, सभी विषयों को लेकर के सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है और उसका परिणाम आम जनता को मिल रहा है। और आम जनता को परिणाम मिलने के कारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन और विश्वास भी बढ़ा है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, गांव हो, नगर हो, सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास करने का। वहीं उन्नाव में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर केशव ने कहा कि किसानों को सही मुआवजा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्नाव का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं है, उन्नाव और सुल्तानपुर के बीच में थोड़ी दूरी है, वहाँ पे विकास के कामों को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से वहाँ समाधान निकाला जा रहा है। जो लोग कुछ इस प्रकार से कहीं शिकायत थी उसका भी समाधान किया गया है। जो आकर के विकास के काम में बाधा डाल के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक लाभ के और भी तमाम रास्ते होते हैं विकास के काम में बाधा डाल करके, और इस प्रकार से प्रयास नहीं करना चाहिए। और उन्नाव में इस समय सारी स्थिति ठीक है। डिप्टी सीएम केशव ने इस दौरान लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं सुल्तानपुर दौरे पर केशव ने बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक की। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।